वी आर हियर एट द होंडा, अपने घर के पास जो होंडा है उधर के शोरूम में। यही जावा, अरे जावा क्या बोल रहा हूँ, जावा तो इससे पहले गया था, होंडा की हाइनेस देखने ही आया, सही लग रहा है वहाँ से जाना चाहिए। तो ये सारी सेम ही है ना, मतलब खाली कलर का। ओके RS और हाइनेस, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? RS और हाइनेस में RS स्क्रैम्बलर भी कहा जाता है। अच्छा, स्क्रैम्बलर टाइप आता है वो। चेंज हो जाता है उसके अंदर। ओके, इसके फुल ड्रेस थोड़े पीछे है मतलब, ऐसा कुछ है ना। ओके, नहीं तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट है वो नॉन स्क्रैम्बलर में। मतलब एक ये है, एक ये है और एनिवर्सरी एडिशन में दो कलर है, ब्लैक कलर एंड ग्रे मैट। वो सिंगल सिंगल कलर है। ओके, ये ब्लैक डीलक्स आता है सिंगल कलर में, ब्लैक कलर, ग्रे मैट कलर और चेरी रेड कलर, तीन कलर आते हैं डीलक्स में। डीलक्स मतलब वो भी एक वेरिएंट है फिर हाइनेस में। हाइनेस का वेरिएंट है वो, सिंगल कलर विद सिंगल हॉर्न आएगा, नो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कंपेयर टू ये ड्यूअल हॉर्न विद ड्यूअल कलर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आएगा। अच्छा, तो तीन डिफरेंस है ना। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है ये छोटी सी डिस्प्ले में हो जाएगा? नहीं, नहीं, वो सब कुछ ऑडिएबल रहेगा। ऑडिएबल मतलब आवाज़ नहीं देगा। हाँ, तो आपको इसके लिए आपके पास ब्लूटूथ हेलमेट या हेडसेट होना चाहिए। ओह, तो वो भी मतलब अलग से बाय करना पड़ेगा। होंडा रोड से एप्लीकेशन आता है, उसके थ्रू मोबाइल और गाड़ी को पेयर करना रहता है। अच्छा, होंडा की कभी कॉल आएगा तो आपको सुनाई देगा, चीज दी गई है, इसी से आप कॉल आंसर कर सकते हो, कट कर सकते हो, अगर म्यूजिक सुन रहे हो तो म्यूजिक चेंज कर सकते हो। ओके, और वो अगर नेविगेशन सेट करते हो तो ऑडियो बन रहेगा इसी एंड एवरी टर्न एंड किलोमीटर। तो वो समझो एक एक टाइप का हेलमेट ही हो गया वो पहन के, तो वो होंडा वाले भी देते होंगे ना? नहीं, ये होंडा कंपनी ने इंटरकॉम बनाया है उसका, ब्लूटूथ डिवाइस बनाया है। तो वो भी उसमें भी कितना स्पेंड करना पड़ेगा मगर? इसका ऑन रोड प्राइस क्या है सर? 32। ये वाले वेरिएंट का मतलब, और इससे जो एक नीचे आता है 27, 5000 का फर्क है। अच्छा, और उसमें कुछ फर्क नहीं है ना, खाली कॉस्मेटिक्स मतलब? और वो लिमिटेड नहीं है ना, वो जितना बिकेगा उतना बिकेगा मतलब? हाँ, वो लिमिटेड मतलब ये मंथ के एंड में भी बंद हो जाएगा। अच्छा, ऐसा। और पावर वगैरह बता दो यार क्या है? 21 BHP पावर आएगा, 21 30 NM टॉप, ड्यूअल डिस्क ड्यूअल चैनल ABS के साथ आएगा। CC कितना है इसका? 350 CC सिंगल सिलेंडर। रियर व्हील के अंदर टॉर्क कंट्रोल दिया गया है, होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल। उसका क्या है? वो ओवर एक्सेलरेट सबको व्हील को स्लिप होने से बचाता है। अच्छा, हाँ। ओके, टायर स्क्रीच नहीं होता उससे ना? यस। तो मतलब एक मैं क्लासिक कंसिडर कर रहा हूँ, एक ये कर रहा हूँ, तो मेरे को क्लासिक को छोड़ के ये लेने का एक एडवांस फीचर्स मिल जाएगा। लाइक इसके अंदर हाफ ड्यूअल क्रैडल के चीज यूज हुआ है, जिसकी वजह से आपको वाइब्रेशन नहीं मिलेगा, वाइब्रेशन फील नहीं होगा आपको 100 की स्पीड पर भी। इवन इसके अंदर स्लीपर असिस्टेंट क्लच यूज हुआ है, जो उस गाड़ी के अंदर आपको नहीं आएगा। वो जो स्लीपर क्लच बोलते हैं, स्लीपर असिस्टेंट क्लच, स्लीपर एंड असिस्टेंट दोनों क्लच यूज हुआ है इसके अंदर। स्लीपर असिस्टेंट यानी कुछ अलग ही होगा। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसके अंदर आपको फ्यूल इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर, माइलेज, एवरेज रेंज एंड बैटरी वोल्टेज डिस्प्ले। मतलब फीचर्स हैं इसमें एक्स्ट्रा और वाइब्रेशंस कम है। अच्छा, एग्जॉस्ट एक ही है ना इसमें? इसकी हाइट है कि डबल स्टैंड के लिए ऐसा लगे? ओके, कलर है, एक ब्लू हो गया, एक ब्लैक हो गया, और एक तीसरा भी कोई है जो यहाँ पे है नहीं अभी? नहीं अवेलेबल है। ब्लैक विद सिल्वर, ब्लैक विद सिल्वर, ब्लैक विद ग्रे मैट आएगा। तो ये भी तो ग्रे, पर वो भी सिल्वर ग्लॉस है। हाँ, वो मैट रहेगा।
ओके ऑलराइट दीज आर द स्पेक्स ये आ रहे पर 35,500 अच्छा बेसिक वाला जो है ना वो अपने को 227 का पड़ेगा मतलब है ना यस ड्यूअल टोन और ये स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन 35 227 232 235 और ये आर एस वाला है फिर स्क्रैम्बलर वाला हो गया ना हाँ तो वो दो छोड़ 2,32,000 ओके और ये अपना ये जो दूसरी बाइक से है ना इसमें पावर कितना है वैसे उसके अंदर 30 bhp पर उसका वेट कम होगा शायद इसके लिए उसका वेट कम और ये 500x अपने यहाँ पे होती है मतलब नहीं हाँ अवेलेबल नहीं ओके क्या बोल रहा है साथ कुछ पसंद आ रहा है यहाँ पे तुमने लास्ट में देखा वही पसंद आया अपने को कौन सी वो पर वो तो बाइक ही अलग है ना वो कैटेगरी अलग है सोच मेरे पापा वो बैठ के चला रहे हैं इमेजिन करके ऐसा दिखेगा तुम्हारा गाड़ी अलग क्या बाइक्स है यार इसकी हेडलाइट्स देख डिस्क देख सस्पेंशन देख यार इसका मतलब जो हार्डवेयर है वो बिल्कुल एकदम टॉप नॉच लेवल का हार्डवेयर है बाइक का और वही इस बाइक को मतलब वही चीज़ें खास बना रही हैं सीट से लेके सब कुछ जैसी बाइक से वैसे प्राइस 300 वो तो वो भी तो वही है ना रेड दिख रही है रेड कलर से अच्छी अबे तो कलर की बात आ गई ना फिर तो कि कलर वो अच्छा दिख रहा है सब दैट वाज आवर विजिट टू होंडा देखते हैं कौन सी बाइक लेनी है कौन सी नहीं फिर अपन फाइनलाइज करते हैं एंड विल श्योरली मेक अ वीडियो अबाउट दैट सो दिस वाज इट थैंक यू फॉर वॉचिंग थोड़ा ऑलराइट थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय प्लीज भाई मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों Thank you for watching.